काले भुने हुए चने को कैसे खाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, भुने हुए चने अल्लाह सुबहान तआला की एक बेहतरीन नेमत है। सर्दियों के अंदर खाने का सबसे बेहतरीन वक्त मेरे मोहतरम भाइयों सुबह का है। जब सूरज पीक पे निकला हुआ है ना, आपने कोई भी हेल्दी चीज खानी है तो बेहतरीन वक्त जिसको अल्लाह ने बेहतरीन कहा है वो सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त जो वो खैर व बरकत का वक्त कहा जाता है। तो सबसे बेहतरीन वक्त है, अपना सबसे बेहतरीन खाना सुबह के वक्त में खाओ। और ये जो फल हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसका खाने का बेहतरीन वक्त दोपहर है, दोपहर है। तो मैं अक्सर कहता हूँ सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ और रात का खाना 10% खाओ। हमारे यहाँ रवाज है जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, जितनी हैवी चीज़ें होती हैं उसको रात को खाया जाता है। और जब सूरज गुरूब हो गया, इसको हदीस से समझो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की अजान होने पे हुक्म दिया करते थे कि अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो, अपने बच्चों को घरों के अंदर ले आओ, क्योंकि अब शयातीन खोल दिए गए। और जब इशा हो जाती थी, आप अपने घर के छोटे दरवाजे भी बंद कर देते थे, अपने चिराग गुल कर देते थे, अपने बर्तनों को उलट देते थे, यानी इशा के बाद कुछ खाते नहीं थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, मामूल था, इशा के बाद आप कलाम नहीं करते थे, आप किसी से बात नहीं करते थे। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी अयाशियाँ कब शुरू होती हैं, हमारी हैवी सबसे बेहतरीन कढ़ाई कब चलती है, मछली कब चलती है, ड्राई फ्रूट जब हम बैठते तो क्या करते हैं, उस वक्त खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, वो ताकत नहीं देते, क्योंकि उसको हजम करने के लिए सूरज का होना ज़रूरी है। सूरज तो गुरूब हो चुका, रात आराम के लिए है। तो बेहतरीन वक्त है, आप सुबह को लो।